बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम बेटा क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज में हमारी चल रही थी 9.2। 9.2 1 मिनट, 9.3 भी हो गई थी, 1 मिनट, 9.4 चल रही थी। तो 9.4 में बेटा हमने जो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में वही आइडेंटिटी हमें यूज करनी है जो हम पहले यूज करते आ रहे हैं, है ना। कौन कौन सी आइडेंटिटी आपको याद है? तो मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ, जो आइडेंटिटी हमने यूज की है वो कौन कौन सी है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, और ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab, ठीक है। और ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा आपका ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab, ठीक है। दोनों में ही आइडेंटिटी में क्या होता है, दोनों टर्म स्क्वायर वाली पॉजिटिव आती है। अगर बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाता है। तो इन दोनों आइडेंटिटी का आपको यूज करना है। तो इनको यूज करने के लिए देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करने का मेथड यही है ना। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात कर रहे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन को करने का मेथड सेम एग्जैक्टली है, इसी तरीके से करने होंगे। इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करना है। देखो फर्स्ट वाला पार्ट देखो, ये दिया हुआ है 2x+5y और 2x-5y। 2x+5y प्लस 5y और प्लस 2x-5y का होल स्क्वायर, है ना, ये दिया। तो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। ये अगर हम यूज करते हैं तो 2x² हो जाएगा आपका 4x², ठीक है, और बी का स्क्वायर 25y² हो गया। फिर हमने क्या यूज किया, 2ab। जब आप 2ab यूज करोगे तो 2a की जगह 2x है, b की जगह 5y है। तो आप इसको लिख लो पहले, अगर डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हो तो आप 2ab, तो a की जगह आपको 2x लिखना है और b की जगह 5y लिखना है, ठीक है। जैसे हमने ये आइडेंटिटी खोली है ऊपर वाली आइडेंटिटी का यूज करके, उसी तरीके से हम इसको ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर 4x² हो गया प्लस बी का स्क्वायर 25y² हो गया, ठीक है। माइनस के 2ab करेंगे तो 2a की जगह 2x आएगा, b की जगह 5y आएगा। तो ये माइनस का 5y है, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया है, यहाँ पर भी माइनस नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी हम माइनस वाली यूज कर रहे हैं, तो माइनस के हिसाब से ये पहले ही एडजस्ट किया जा चुका है कि यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। बस अगर आप इनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखो ये वाली टर्म एक्जेक्टली सेम है इस वाली टर्म से, है ना। ये जो टर्म है एक्जेक्टली सेम है। जब सेम है तो आप इन दोनों टर्म को आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, है ना। दोनों एक्जेक्टली सेम टर्म है तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। इसको आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई का साइन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये पूरी टर्म को कैंसिल कर सकते हैं, इस वाली पूरी टर्म को इस पूरी टर्म से हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। मैं काट नहीं रहा हूँ, ठीक है। काटने में कभी आपको समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है, तो 4x² को ऐड हो जाएगा, कितना हो गया, 8x² हो गया, ठीक है। और 25y² हो जाएगा आपका 50y² हो जाएगा, ठीक है। बस ये आंसर हो गया, ठीक है। आपने क्या करा, आइडेंटिटी का यूज किया, पहले आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया, दूसरे वाले में चूंकि ये ए माइनस बी वाली फॉर्म थी तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर ली। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम एग्जैक्टली इसी तरह है ना। जो थर्ड पार्ट है वो भी सेम इसी तरह है, ज्यादा अंतर नहीं है। सेकंड वाला पार्ट आप खुद कर लेना, एक पार्ट आप खुद करना, ठीक है। मैं थर्ड वाला पार्ट आपको बता रहा हूँ। थर्ड वाले पार्ट में क्या है, पी स्क्वायर
माइनस के क्यू स्क्वायर आर होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर, टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमने जो है ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं थर्ड पार्ट कर रहे हैं इसका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन का। तो यहाँ हम ए माने बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं और ये वाली जो टर्म है इसमें कुछ अरेंज कर सकते हैं ना, ये तो सिर्फ सिंपल टर्म है, आइडेंटिटी वाली फॉर्म में नहीं है, तो इस पर हम ऐसे ही लिखे रहे नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर की टू दी पावर फोर हो गया, फिर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो क्यू टू दी पावर फोर हो जाएगा और आर टू दी पावर स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस के टू ए बी, माइनस के टू ए बी करते हैं तो ए की जगह पी स्क्वायर है और बी की जगह कितना है क्यू स्क्वायर आर है, तो क्यू स्क्वायर आर है। ये जो टर्म है आपकी टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर, ये दोनों टर्म एग्जैक्टली सेम आ रही है बेटा, है ना, ये दोनों समय सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, इन दोनों टर्म को भी आप कैंसिल कर सकते हो। ये वाले टर्म को भी मैंने देखो सर्किल बना दिया है, ये दोनों टर्म एग्जैक्टली सेम है और दोनों का साइन जो है ना प्लस और माइनस में है, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जीरो हो जाएगी तो यही आपका आंसर हो जाएगा पी फोर प्लस क्यू फोर आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बस तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है, तो एक ही पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, सेकंड पार्ट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर एन टी यूज करनी है और दूसरे वाले में भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर एन टी यूज करनी है और दोनों को बीच का माइनस का करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना एट की बात करते हैं, एट में भी आपको बेटा यही काम करना होगा, इन आईडेंटिटी का ही यूज करना है। तो इसमें जो है आप बताओ कौन सा क्वेश्चन किया जाए जो आपको मुश्किल लग रहा है। इसमें मैं फर्स्ट वाला नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला यार आसान है, मैं सेकंड और थर्ड बता देता हूँ आपको। सेकंड में क्या है, सेकंड में दिया हुआ है आपका थ्री अपॉन सेवन पी, थ्री अपॉन सेवन पी माइनस के सेवन अपॉन सिक्स क्यू का होल स्क्वायर, माइनस के सेवन अपॉन सिक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस टी क्यू इक्वल टू नाइन अपॉन फोर्टी नाइन शो करना है, ठीक है। फिर हमें यहाँ शो करना है तो हमने ये समझ लो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने इसकी, ठीक है, शो करना है खुद आ जाएगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, है ना। हमें जो शो करना है उसका हम जो है कोई एक साइड लेके स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड है, तो तीन आइडेंटिटी आपको बताई थी, एक आइडेंटिटी आपकी क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस। तो यहाँ पर आपके पास जो है, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं जो हमें शो करना है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर एट का सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, ए माने बी का होल स्क्वायर है, तो ए माने बी का होल स्क्वायर वाली हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, थ्री अपॉन सेवन का होल स्क्वायर,
यानी कि 9 अपॉन कितना हो गया 49, टी स्क्वायर हो गया। फिर हमने क्या किया, 7 अपॉन 6 का स्क्वायर है ना, 7 अपॉन 6 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, इसके साथ में क्यूब भी है, तो 7 अपॉन 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्लस 49 अपॉन 36 और क्यूब स्क्वायर आ गया। फिर क्या करेंगे हम, माइनस के 2ab, जब आप माइनस के 2ab करेंगे तो ए की जगह कितना है, 3 अपॉन 7 टी, और क्यू की जगह कितना है, बी की जगह कितना है, 7 अपॉन 6 क्यू, और जो लास्ट वाली टर्म है ये आपकी पी क्यू है, ये हमने ऐसे भी किया है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे। अब ये जो टर्म आ रही है आपकी, इसमें कुछ टर्म ऐसी हैं जो कैंसिल हो सकती हैं, तो उनको आप कैंसिल कर दो, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो रहा है ना, और ये 2 3 6 है, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 9 अपॉन 49 पी स्क्वायर प्लस 49 अपॉन 36 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यू इफ यू कैंसिल 6 to 6 ना, तो देन इट बिकम्स माइनस के पी क्यू प्लस पी क्यू, है ना, अगर आप पी क्यू से पी क्यू भी कैंसिल कर देंगे, है ना, दैट विल बी इक्वल टू 9 अपॉन 49 पी स्क्वायर प्लस 49 अपॉन 36 क्यू स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था, है ना, यही वाला हम लोगों ने बोला था कि शो दैट, तो शो दैट का मतलब हमें ये दिखाना है इट इज इक्वल टू दिस वन, तो दोनों को ऐसे कोई एक भी पार्ट से हम स्टार्ट कर लेते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, तो जो भी साइड लेनी है वो आप लाइट लेके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, तो राइट हैंड साइड आ गई। तो यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर जो 3 आइडेंटिटी में से 2 आइडेंटिटी का अभी तक हमने यूज किया है ना, यूज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने हमने पहले भी किया था, है ना, इसी क्वेश्चन में किया था, पर उसमें फर्क क्या था, उसमें जो टर्म जो आ रही थी वो सिंपल आ रही थी, यहाँ पर क्या है स्क्वायर भी आ रहा है, फिर हमें वी आर डूइंग अगेन स्क्वायर, है ना, तो वहां पर सिंपल टर्म्स थी, यहाँ पर थोड़ी सी टर्म बढ़ा दी है इन्होंने, फिर बेटे वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला पार्ट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें है ना सारी टर्म जो है दो दो करके पेयर में दी हुई है ना, टी माइनस क्यू है और क्यू माइनस आर है, फिर आर माइनस टी है, टी माइनस क्यू क्यू माइनस आर, देखो टी माइनस क्यू भी है, ठीक क्यू माइनस आर है, फिर आर माइनस पी है, पहले मैंने माइनस वाली टर्म लिखी, जैसे ये लिखी हुई है वैसे इनके साथ में प्लस वाली टर्म लिखी हुई है बीच में, टी प्लस क्यू और यहाँ दिया हुआ है क्यू प्लस आर और यहाँ दिया हुआ है आर प्लस पी, आर माइनस के पी और आर प्लस के पी, है ना, ये बुक में से लिखा हुआ क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है, अगर नहीं भी कोई चीज लेटर समझ में आ रहा है आप देख सकते हो बुक के अंदर, है ना, तो आइडेंटिटी हमने ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म बनने के, देखो यहाँ पर हम जो है ये वाली जो आइडेंटिटी है यहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी दो टर्म है जो मल्टीप्लाई में, वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस आइडेंटिटी का अगर हम यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर
माइनस के आर स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी हमें कोई इसकी थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट किया था, ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी हमने क्या किया है, वी आर सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर वी आर ऑब्जर्विंग द ऑल द टर्म्स आर कैंसलिंग, है ना, विथ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर विथ पी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर द रिजल्ट इज जीरो। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था। इन सब का अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इनका रिजल्ट कितना आएगा, वो आपका जीरो आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, आप क्लियर दिखाई दे रहा है? तो इसमें चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर जो है 8 आपको बताया, फिर क्वेश्चन नंबर आप 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, फिर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग करने के बाद इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 14। यहां से वी कैन कैंसिल दिस एक्स, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 51। 51 क्यों हो गया, इस माइनस टू को हमने दूसरी साइड में हमने इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये आपका जो है माइनस टू अगर हमारा दूसरी साइड में शिफ्ट हो जाता है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसकी स्क्वायरिंग करते हैं दोबारा से, अगेन स्क्वायरिंग इसी इक्वेशन इसकी, है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसकी हमने स्क्वायरिंग की तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 51 स्क्वायर। यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस के टू एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 51 स्क्वायर। 51 का स्क्वायर कितना होगा, 51 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 51 को आप मल्टीप्लाई कर लें, 51 इंटू 51 51 आ गया, 5 बन गया 5, 5 5 गया 25, यानी कि 260 का 2601 आ गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यू कैन कैंसिल, तो एक्स टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स 4 इक्वल टू हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या था आपका, ये हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या था आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसलिए माइनस में आया था। यहाँ पर क्या है, ये प्लस का है, यहाँ प्लस का 2 आ रहा है तो साइड में लेके जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। जब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 है तो 9 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर
आपका 2 आएगा, ये आपका आंसर हुआ एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4, 1/4 एक्स टू दी पावर 4 इज इक्वल टू दिस मैन। इसको इसको बेटा मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7 दिया हुआ था, है ना। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है और 9 है ना, 8 में क्या किया, 8 में हमने सिर्फ आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज की। आइडेंटिटी यूज करके हमने जो है ना इसको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया था ना, जो राइट हैंड साइड आ गए थे। जो थर्ड पार्ट था उसमें भी हमने आईएनटी लगा के हमने इनको सिंप्लीफाई किया था, सभी टर्म कैंसिल हो गई थी, उसकी वैल्यू 0 आ गई। इसमें क्या है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, तो उन्होंने जो दिया था उन्होंने ये नहीं बोला आप स्क्वायरिंग करनी है या कुछ शो करना है, कुछ प्रूफ करना है ना। ये हमने अपना लॉजिक लगाया, उन्होंने बोला कि आप फाइंड आउट करो वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2 की। अब ये हमें खुद सोचना पड़ा कि हम क्या कैसे ये वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमने क्या किया, दोनों साइड का हमने स्क्वायरिंग कर दी। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2 माइनस से 2 ए भी हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो माइनस 2 को हम उधर ले गए तो कितना आ गया, ये 51 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने पूछा आपसे एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1/x2 की वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने फिर क्या किया, अगेन स्क्वायरिंग कर ली, दोबारा स्क्वायरिंग करी हमने, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर था, फिर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर मगर प्लस का 2 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस का 2 आ रहा था क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर हमें उस साइड ले गए थे तो हमने प्लस करना पड़ा था, इस 2 को हम उधर ले गए तो हमें माइनस करना पड़ा है। जब माइनस करना पड़ा तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू जो है हमने 2 माइनस करके हमने इसकी वैल्यू यहाँ लिख दी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। चलो और देखते हैं, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरीके से करना है, 10 आप खुद करेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2 है तो इवेल्युएट करना है एक्स प्लस 1/x, कर सकते हो, कैसे करेंगे, क्योंकि मैं नहीं कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2 इज इक्वल टू 23। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2 इज इक्वल टू 23 दिया हुआ है। अब हमने क्या काम किया है, दोनों तरफ हम जो है इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कितना है, एक्स प्लस 1/x। तो हमें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2 हमने क्या काम किया है, 2 ऐड कर दिया, 2 इधर ऐड कर दिया और 2 इधर ऐड कर दिया, यानी कि ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2। फिर क्या काम किया हमने, इसमें हमने 2ab होता है ना, तो x से ही मल्टीप्लाई कर दिया और x से ही डिवाइड कर दिया, है ना। ये कितना हो गया, 25। अभी आपकी समझ में आ जाएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो गया। जब ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो गया तो इसको हमने क्या लिख दिया, 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब दोनों साइड का हमने स्क्वायरिंग रूट ले लिया, स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट लेने पे क्या हुआ, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो इसमें हमें क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2 इज इक्वल टू 23 है ना,
तो पहले हम टू ऐड कर रहे हैं। टू ऐड करने हैं क्यों? क्योंकि हमारी आईएनटी में टू ए भी आता है, तो टू अगर हम दोनों साइड में ऐड कर लेंगे, एक तरफ से नहीं ऐड कर सकते, हम ऐड करेंगे तो दोनों ही तरफ ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या काम किया, हमारे टू ए बी के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से ये वाली टर्म भी आनी चाहिए, है ना, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स भी आना चाहिए। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर करते तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी आना चाहिए। तो यहाँ पर ए बी लाने के लिए हमें क्या करना है, पड़ा एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को डिवाइड कर दिया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू तो वन हो जाती है, तो वन से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से जीरो ऐड करने पे कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई भी चेंज नहीं होता, उसी तरीके से वन से मल्टीप्लाई करने पे भी कोई फर्क नहीं होता। तो यहाँ पर हमारी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग गई, यहाँ फाइव का स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या काम किया, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने से क्या फायदा होगा, यहाँ हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो वैल्यू कितनी हो गई आपकी, फाइव हो गई। यही हमारा आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही हमें जो है फाइंड आउट करना था, यही हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसी तरह आप जो है क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, जिस तरह 11 है उसी तरह 12 है, क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, इन सबका मेथड भी सेम है, तो आप कर सकते हो कुछ। तो मैं एक बता देता हूँ इनमें से, 11 12 13 में से बताओ कौन सा बताया जाए। मैं 12 बताता हूँ। ठीक है, 12 वाले में क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 16, ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 है, फाइंड करनी है वैल्यू ए बी की, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, वो आपका 40 है। ठीक है, अब आप क्या करो, दोनों साइड का आप स्क्वायरिंग कर दो। जब आप स्क्वायरिंग करोगे यहाँ पर तो क्या आएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 हो गया। आपने इधर का भी स्क्वायरिंग कर ली और इधर की भी स्क्वायरिंग कर ली, तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के टू ए बी इज इक्वल टू 36 हो गया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवेन है, 41। ठीक है, आप टू ए बी को उधर ले आओ, 36 को उधर ले आओ, तो माइनस का हो जाएगा, टू ए बी क्या हो गया, ये प्लस का हो गया। 11 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो गया, और 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 अपॉन 2, ये आपकी वैल्यू आ गई ए बी की वैल्यू। ठीक है, तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 12 बताया है, और 11 भी ऐसी करना है, 13 भी ऐसी करना है, तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे आज के लिए, है ना। हम इसको यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।